वचन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीहनुमते नमः श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीराम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम।
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वागीशाद्या सुमनस सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याशु नमामितं गजाननम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो श्रीसीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीसीतारामचन्द्र भगवान् की जय श्रीहनुमानजी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान् की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय 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 सीता। एक माला सीताराम नाम जप कर ली। रामचंद्र भगवान की श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः रामात्रश्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्ति रखंडिता भवति मे रामत्वमेवाश्रयः। बड़े सौभाग्य का दिन है आज। इस नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन मणिकांचन संयोग है। नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ है। सतयुग का तीर्थ है। इस धरती ने जितनी कथा सुनी है
उतनी कथा और किसी स्थान ने श्रवण किया है ऐसा समझ में नहीं आता। सौनकादिक 88,000 महात्मा, उनका एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था। शौनक जी महाराज उसके कुलपति थे, वृद्ध कुलपति, वृद्ध थे और कुलपति थे। चलता फिरता विश्वविद्यालय उनके साथ रहा करता था। यज्ञ यागादि में उनकी बड़ी प्रवृत्ति थी। इस नैमिषारण्य की धरती पर उन्होंने अनेक यज्ञ किए, अनेक कथाएं सुनी और उसी में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य भी यहां पर सुना गया, ऐसा वर्णन अभी दास करेगा। उसके पहले वंदना कर रहे हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के भगवान श्री राम ही शरण है। शरण मने आश्रय, शरण मने धाम, सारे संसार के आश्रय भगवान श्री राम है। सारे संसार के कहने का भाव कि मूर्खों की भी आश्रय वो हैं और विद्वानों की भी आश्रय वो हैं, धनिकों की भी आश्रम वो हैं, रंकों की भी आश्रय वे हैं, ब्राह्मणों की भी आश्रय वो हैं, चांडाल के भी वे आश्रय हैं, समस्त जगत के वे आश्रय हैं। रामम बिना का गति, श्री राम जी के बिना और कोई गति नहीं है। गति मने राम जी रास्ता, गति मने रास्ता, गम्यते अनया इति गति, जिससे चला जाए, जाया जाए, पहुंचा जाए, उसको बोलते हैं गति। शुक्ल कृष्णे गति हेते, श्रीमद् गीता में लिखा है दो गतियां हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति, एक देवयान और एक पितृयान। लेकिन उन किन्हीं गतियों का कोई सहारा नहीं है अगर श्री राम जी बीच में न हो। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, जितने भी कलिमल हैं वो सब श्री राम जी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कलिमल का मतलब कलियुग का मल, कलियुग कलिमल का मतलब वाद विवाद का मल, कलिमल कलह झगड़ा, तो कलिमल का मतलब वाद विवाद से जायमान जितने भी कलह हैं, मल हैं, पाप हैं, वो सिर्फ श्री राम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। रामाय कार्यं नमः, अगर नमस्कार करने योग्य कोई श्री चरण है तो रघुनंदन राम का है। रामाय कार्यं नमः, श्री राम जी को नमस्कार करें, श्री राम जी को प्रणाम करें। कहें दुनिया का अनादर कर दें इसका मतलब? ना ना ना, अनादर मत करो। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अनादर तो भक्तों के यहां लिखा ही नहीं, किसी का भी अनादर नहीं मेरा। राम जपत कोढ़ी भला, चू चू चुए जा को चाम, कंचन काया के काम की जो न भजे श्री राम। अनादर किसी का नहीं, रामाय का। लेकिन प्रणाम के महत्व को तो श्री राम जी जानते, औरों के चरणों में माथा रगड़ते रहो, देखते ही देख लो संसार में। श्री राम के चरणों का एक प्रणाम अगर आपका हृदय से किया हुआ है, मेरी बात सुन लो, स्तुति की चर्चा छोड़ो, भक्ति की चर्चा छोड़ो, श्री रघुनंदन के चरणों में एक प्रणाम आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम, एक भी प्रणाम, दशाश्वमेधावभ्रथेन तुल्यः,
दशाश्वमेध के अवव्रत स्नान का फल एक श्री राम के चरणों का प्रणाम है। तो क्या बराबर हो गया? क्या बराबर नहीं हुआ। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, इसलिए रामाय कार्य नमः। श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, काल रूपी जो भयंकर सर्प है, भीम भुजग भयंकर सर्प, वो श्री राम जी से डरता है। महाराज राम जी से डरता है, काल राम जी से डरता है, राम जी से नहीं और राम जी की कथा से भी डरता है। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतवे, काल व्याल के मुख ग्रास के त्रास के निर्णाश के लिए श्री राम कथा है। रामस्य सर्वं वशे, राम जी के सब बस में, आप चाहो तो भी राम जी के वश में हो, आप न चाहो तो भी राम जी के वश में। सज्जनों आपकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तुम हाथ फुला करके छाती ठोक के घूमते रहो, लेकिन वो चाहते हैं वही होगा। आपका किया हुआ सर्वनाश हो जाता है, उनकी उनका किया हुआ ही रहता है। इसका मतलब यदि पुरुषार्थ मत करो, पुरुषार्थ तो करो लेकिन राम जी के सहारे करो। रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, भगवान के मंगल में श्री चरणों में मेरी अखंड भक्ति हो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। रामत्वमेवाश्रय, हे रघुनंदन, हे रामचंद्र, हे परमात्मन, आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन श्री राम की वंदना कर रहा हूं, महात्म के आरंभ की वंदना है, मैं उन श्री राम की वंदना कर रहा हूं जो चित्रकूट में निवास करते हैं। कि चित्रकूट के ठाकुर का बड़ा महत्व मालूम पड़ता है। शुरू में कह रहे हैं चित्रकूटालयम रामम वंदे, जिनका चित्रकूट में स्थान है, जिनका चित्रकूट में निवास है, उनकी हम वंदना कर रहे हैं। ये चित्रकूट के ठाकुर की क्या विशेषता है? चित्रकूट के ठाकुर की विशेषता यह है कि भक्तों के लिए अपना घर छोड़ देता है, द्वार छोड़ देता है, सारा संसार छोड़ देता है, मां बाप का प्यार छोड़ देता है, तड़पते हुए पिता की भी परवाह नहीं करता और चित्रकूट में आ जाता है। चित्रकूटालयम। दूसरी विशेषता, वो ठाकुर चित्रकूट में हमेशा रहते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज एक दोहा लिखते हैं कि चित्रकूट मह बसत प्रभु, कब तक के नित्य सिय लखन समेत, नित्य रहते हैं। चित्रकूट मह बसत प्रभु नित्य लखन स, नित्य रहते हैं। तो चित्रकूट में जो नित्य विहारी चित्रकूटात्र विहारी श्री रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा है, उनके मंगलमय चरणों में हम प्रणति निवेदन कर रहे हैं। चित्रकूटालयम रामम वंदे। चित्रकूट के ठाकुर का वैशिष्ट्य क्या है? बड़े बड़े अबलात्मा, बड़े बड़े वीतराग, बड़े बड़े महात्मा, ध्यान देना, इन सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन इनके ऊपर तो कृपा करती ही है। एक बगैर पढ़े लिखे हुए सभ्यता का जिनके पास कोई नाम निशान नहीं है, ऐसे कूल भील किरातों को भी उठा करके वो गले से लगाते हैं। जहां बड़े बड़े महात्माओं के आश्रय हैं, वहां पढ़े नहीं लिखे नहीं सब प्रकार से दीनहीन पामर, उनको भी सरकार वही की गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, बड़ी बढ़िया बड़ी कीमती चौपाई है, और उन कूल भीलों के बीच में लिख रहे हैं राम ही केवल, राम ही केवल। ये केवल शब्द जो है ना, बड़े बड़े बुद्धिमानों को कहता अपनी बुद्धि रखे रहो, बड़े बड़े विद्वानों को कहता अपनी विद्या रखे रहो, बड़े बड़े धनवानों को कहता अपना धन रखे रहो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनिक, बड़ी बड़ी पूजा की थाल सजा करके घमंड में खिलाते हुए चलते हैं, कहते हैं राम जी मेरी पूजा स्वीकार करेंगे,
इस गरीब के पास तो कुछ नहीं है, खाली पुष्पल आया है। देखता नहीं ठाकुर उस थाली के ऊपर, और जो गरीब का लाया हुआ एक भक्ति पूर्वक एक पुष्प है, उस पुष्प को लेने के लिए ठाकुर मचल पड़ता है। ठाकुर तो भाव का भूखा है। ये चित्रकूट का ठाकुर है, एक तरफ वाल्मीकि से महात्मा, दूसरे तरफ पामर कोल किरात। गोस्वामी जी वहां चौपाई लिख रहे, राम ही केवल केवल। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं हम तत्व विमर्श करते हैं, तत्व का ज्ञान पर ज्ञान है हमको, तत्व के द्वारा हमने ठाकुर की सिद्धि की है। भूल जाओ वो तुम्हारे तत्व दर्शन को ठाकुर स्वीकार नहीं करता। ठाकुर तो प्रेम से कहा हुआ श्री रामाय नमः इसको स्वीकार करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा, चित्रकूटालयम रामम। जिन ठाकुर का चित्रकूट में आलय है, निवास है, आलय का मतलब हो वो चित्रकूट में लय पर्यंत निवास करता है। चित्रकूटालयम लय पर्यंत, प्रलय पर्यंत ठाकुर निवास करता है। चित्रकूट से ठाकुर कभी दिखते ही नहीं, हटते ही नहीं। ऐसे श्री राम की वंदना कर रहे हैं, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूट की दूसरी विशेषता कहती इंदिरानंद मंदिरम, उसी इंदिरा का आनंद मंदिर है। इंदिरा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने सीता जी, सीता जी का वो आनंद मंदिर है। भगवती जनकनंदिनी को जो सुख चित्रकूट में मिला वो कहीं न मिला महाराज। हाँ, अयोध्या में नहीं, दंडकारण्य में नहीं,